ये मेरी बेटियों को क्या हो गया, हे भगवान। एक बार एक गरीब चुड़ैल अपनी 5 बेटियों के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल में चली जाती है। बेटियों ध्यान से चलना, देखकर कहीं कोई तुम्हें जानवर खा ना जाए। तभी उन्हें जंगल में एक आम का पेड़ नजर आता है और चुड़ैल की बेटियां आम खाने की जिद करने लगती हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, एक आम का पेड़ नजर आया, उस पर आम खाकर आते हैं। ठीक है बेटी, मगर ध्यान से। लेकिन वह आम का पेड़ एक साधारण आम का पेड़ नहीं था, वह एक मायावी शैतान था जो कि अपना भेष बदल कर पेड़ बन गया था और उनके पास आकर खड़ा हो गया था। चुड़ैल की बेटियों को बहुत भूख लगी थी, वह भागी भागी जाती हैं और आम के पेड़ से आम तोड़कर खा जाती हैं। आम खाकर सभी का पेट भर जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। चुड़ैल और उनकी बेटियों के जाने के बाद आम का पेड़ शैतान में बदल जाता है जो कि उसका असली रूप था और कहता है, अब आएगा मजा, मेरे जादुई आम खाकर उनका क्या हाल होने वाला है। वहीं जैसे ही सुबह होती है तो चुड़ैल देखती है कि उसकी सभी बेटियों के पेट में से वही आम का पेड़ उगा हुआ था और उस पर फल भी लगे हुए थे। चुड़ैल यह सब देख बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ये मेरी बेटियों को क्या हो गया, हे भगवान। तभी वहाँ शैतान आ जाता है। शैतान अपनी शक्तियों से चुड़ैल को अधमरा कर देता है और चुड़ैल की बेटियों को लेकर गुफा में चला जाता है। वह उन्हें गुफा में ले जाकर उनके पेट में जो पेड़ उगा हुआ था उसके फल तोड़कर खा लेता है और अपनी चुड़ैल पत्नी को भी खिलाता है, जिससे वह ठीक हो जाती है। वह फल खाकर उन दोनों की शक्तियाँ बढ़ जाती है। चुड़ैल कहती है, मुझे दोबारा से जीवन दान मिल गया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हमें बाकी गांव वालों को भी ये फल खिलाने होंगे, जिससे वे शैतान में बदल जाएंगे और पूरा गांव हमारा हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम पूरी पृथ्वी पर भी ऐसे ही कब्जा कर लेंगे। चुड़ैल की बेटियों को वह दोनों कैद कर लेते हैं ताकि उनसे फल वो खाते रहे और उनकी शक्तियाँ बढ़ती रहे। वही दूसरी तरफ दूसरी चुड़ैल, जिसे समझ नहीं आ रहा था, वह भागी भागी नागिन के पास जाती है नागलोक में और उससे कहती है, नागिन माता, मेरी सारी बेटियां खतरे में हैं, उन्हें एक शैतान ने बंदी बना लिया है और उनके पेट में एक अजीब सा पेड़ भी उगा हुआ है, मुझे मेरी बेटियां वापस दिलाने में मेरी मदद करें। नागिन कहती है, ये तुम्हारे कर्मों की ही सजा है, तुमने जो पाप किए थे उसकी सजा तुम्हारी बेटियों को मिल रही है, लेकिन क्योंकि तुम सुधर गई हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ वो शैतान था। ऐसा कहकर नागिन और चुड़ैल धरती लोक पर आ जाती हैं और वह वहाँ आकर देखती हैं कि कई गाँव वालों के पेट में भी वैसे ही पेड़ उगे हुए थे। फिर चुड़ैल और नागिन जंगल की तरफ निकलती है जहाँ शैतान ने चुड़ैल की बेटियों को जहरीले फल खिलाए थे। वह जैसे ही रास्ते में जा रही होती हैं, उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वह बूढ़ी औरत वास्तव में लालची चुड़ैल थी, जिसने भेष बदला हुआ था और उन्हें आते हुए देख लिया था। वह बूढ़ी औरत भी कुछ फल लाई थी। वह कहती है, अरे मेरी बेटियों, तुम थक गई होगी, ये लो मेरे द्वारा लाए हुए मीठे रसीले फल, खाकर अपनी थकान दूर करो, फिर आगे जाना। नागिन बूढ़ी औरत की चाल को समझ नहीं पाती और फल खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी चुड़ैल उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं नागिन बहन, तुम ये फल मत खाना, यह एक छलावा हो सकता है। चुड़ैल के यह सब बताते ही वह बूढ़ी औरत आग बबूला हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ आम का पेड़ बना शैतान अपनी टहनियों से नागिन को जकड़ लेता है और मौका पाकर लालची चुड़ैल अच्छी चुड़ैल को मार देती है। नागिन किसी तरह से अपने आप को शैतान की जड़ों से आजाद करा लेती है और अपनी अग्नि की शक्ति से शैतानी पेड़ को भस्म कर देती है। यह सब देख चुड़ैल वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर नागिन शैतान की गुफा में जाकर चुड़ैल की बेटियों को आजाद करा लेती है, लेकिन उनके पेट में अभी भी पेड़ उगा हुआ था। नागिन कहती है, मुझे कैसे भी करके इनके पेट से ये पेड़ हटाना होगा, ये तभी ठीक हो पाएंगे। अभी वहाँ एक बहुत बड़ा बाज आ जाता है। वह बाज कहता है, हे नागिन माता, मैं तो धन्य हो गया जो आप यहाँ आए, इनके पेट से पेड़ तभी जाएगा जब लालची चुड़ैल रात को पेड़ बनेगी और हम उस पेड़ को काट देंगे। वह लालची चुड़ैल रात के समय ही पेड़ बनती है, तो हमें उसे रात को ही मारना होगा। वह सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं।
और जैसे ही रात होती है बाज उस चुड़ैल को ढूंढने लगता है। नागिन बाज पर ही बैठी थी तभी उस चुड़ैल पर बाज की नजर पड़ती है जो कि पेड़ बन रही थी। बाज तुरंत नागिन को बताता है, नागिन माता यह देखो वह चुड़ैल पेड़ बन रही है, यही सही मौका है। तभी नागिन अपनी शक्ति से पेड़ को काट देती है। उस पेड़ के कटते ही सभी गांव वाले और चुड़ैल की बेटियां आजाद हो जाती हैं। फिर क्या, नागिन चुड़ैल की बेटियों को पालने लगती है। बेटियों तुम अब मेरे साथ रहा करोगी। बचाओ हमारे बच्चों को, दो चुड़ैले उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। एक गांव के बहुत बड़े जमींदार के घर दो बच्चे पैदा होते हैं जिसमें से एक लड़का तो दूसरी लड़की होती है। जमींदार कहता है, लड़का तो ठीक है लेकिन लड़की का क्या करूं? लड़का तो मेरे इतने बड़े साम्राज्य की देखभाल करेगा लेकिन लड़की तो बोझ है, इसमें तो बहुत खर्चा होगा। ऐसा सोचकर जमींदार लड़की को उठाता है और गांव के ही एक बदनाम खंडहर कुएं में उसको डाल देता है और भगवान से कहता है, हे भगवान मुझे माफ करना लेकिन मुझे लड़की नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है लेकिन वह कुआ जिसमें उसने उस लड़की को फेंक दिया था उसके दूसरी तरफ चुड़ैल लोक था जहां पर बहुत सारी चुड़ैलें घुमा करती थी। वह लड़की एक चुड़ैल लोक में पड़ी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके रोने की आवाज एक भयंकर चुड़ैल सुन लेती है। वह चुड़ैल कहती है, ये तो किसी इंसान के बच्चे की रोने की आवाज है। इससे पहले दूसरी चुड़ैले उसके पास पहुँचे मैं जाकर उसे उठा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल बिना टाइम गवाए उस लड़की के पास जाती है। आज तो दावत होगी। वह जैसे ही उस लड़की को उठाने लगती है एक नागिन वहाँ पहुँच जाती है। नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहाँ से भगा देती है। वहाँ हो रही लड़ाई को देख बाकी सारी चुड़ैले पहुँच जाती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं। नागिन उन्हें भी अपनी शक्ति से मारकर भगा देती है और कहती है, ये मेरी बच्ची है, इसे हाथ भी मत लगाना, चली जाओ यहाँ से। नागिन उस बच्ची को उठा लेती है और कहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसे तो मैं पाल लूंगी। ऐसा कहकर वह उसे कुएं से बाहर ले आती है और अपने जादू की शक्ति से एक घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। नागिन कहती है, इसे पढ़ाना जरूरी है लेकिन मैं इसे पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज सकती। अगर मैं उसे वहाँ भेजूंगी तो सभी चुड़ैले इसके पीछे पड़ जाएंगी और एक न एक दिन इसे खा जाएंगी। ऐसा कहकर वह नागिन उसे घर में ही पढ़ाने लगती है। जो स्कूलों में शिक्षा मिलती है वह उसे वहीं देने लगती है। देखते ही देखते वह लड़की भी बड़ी हो जाती है और जमींदार का लड़का भी बड़ा हो जाता है। लेकिन जमींदार का लड़का बहुत ही निकम्मा था, वह कोई भी काम धंधा नहीं किया करता था और जुए में जमींदार के सारे गहने पैसे उड़ा दिया करता था। उसके ऐसा करने से जमींदार एक दिन कंगाल हो जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह खेती करने लगता है। जमींदार कहता है, हे भगवान कैसा निकम्मा बेटा दिया है, मैंने मेरी बेटी को फेंक कर बहुत गलत किया, आज अगर वह मेरे पास होती तो मेरा काम में हाथ बटाती, अब मैं क्या करूं भगवान, मेरी बेटी को वापस कैसे लाऊं। तभी एक दिन कुछ चुड़ैलें भेष बदल कर गांव में घूम रही थी, फिर उन्हें वह लड़की दिखाई देती है। एक चुड़ैल कहती है, बहन ये तो वही बच्ची है जिसे नागिन ने बचाया था, इसकी खुशबू हूबहू वैसी ही है, ये वही लड़की है, लेकिन बहन नागिन यही घूम रही है, अगर हम इसे पकड़ेंगे तो नागिन हमें मार देगी, कुछ और तरकीब लगानी होगी। तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहन मैंने देखा था, एक जमींदार इस लड़की को कुएं में फेंक गया था। तभी चुड़ैल नागिन की बेटी के पास जाती है क्योंकि उसने भेष बदल रखा था इसलिए नागिन उसे पहचान नहीं पाती। वह उसकी बेटी से कहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तो एक जमींदार हैं, जिनकी हालत आजकल बहुत खराब है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। नागिन की बेटी कहती है, क्या तुम सच कह रही हो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ ये बात सच है, चाहे तो तुम जाकर अपनी माँ से पूछ सकती हो। नागिन की बेटी अपनी माँ से कहती है, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो, मैंने सुना है मेरे माँ बाप जमींदार हैं, तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला, मैं उनके पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। वह दोनों चुड़ैले सब देख रही थी। चुड़ैल कहती है, नागिन की बेटी नागिन से अलग हो गई, अब इसे पकड़ना बहुत आसान है, अभी हमें भूख लगी है, चलो कुछ गांव के बच्चों को चुराया जाए और जाते जाते इसे भी उठा लेंगे।
ऐसा कहकर वह चुड़ैलें कुछ बच्चों को चुराने निकल पड़ती हैं। नागिन की बेटी उनके माँ बाप से कहती है, तुमने बचपन में मुझे कुएं में क्यों फेंक दिया था? तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बेटी को देखकर सरपंच को यकीन नहीं होता और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वह चुड़ैले अब गांव के कुछ बच्चों को उठा लेती हैं और वहां से भागने लगती हैं। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, हमारे बच्चों को दो चुड़ैले उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। नागिन की बेटी उन्हें देख लेती है, वह कहती है, मेरी माँ तो एक नागिन है, उन्हें बचा सकती है। नागिन की बेटी भागी भागी नागिन के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन तुम उन बच्चों को बचाने में हमारी मदद करो। ऐसा सुनकर बच्चों को बचाने के लिए वह अपनी शक्तियाँ छोड़ती है। जैसे ही शक्तियाँ दोनों चुड़ैलों को लगती हैं, वे दोनों तड़पने लग जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, नागिन तुमने अच्छा नहीं किया, पहले तो इस लड़की को नहीं चुराने दिया और अब इन बच्चों को भी नहीं ले जाने दे रही, अगले जन्म में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।